जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों व ग्रुप में भी शेयर जरूर करें। दुर्गा कवच स्तोत्र। किसी भी स्तोत्र मंत्र कथा आदि का वास्तविक फल संस्कृत पाठ करने से ही सिद्ध हो सकता है। संस्कृत भाषा मात्र नहीं देववाणी कहलाती है। यदि संस्कृत पाठ न किया जा सके तो श्रवण करने सुनने पर भी समान फल ही प्राप्त होता है। हिंदी में या अन्य अनुवादित भाषाओं में पाठ करना, हिंदी या अन्य भाषाओं में पाठ करने पर मूल पाठ की फल प्राप्ति संभव नहीं है। हाँ, बार बार भगवती के अनेक नामों का उच्चारण होगा, इस कारण नामोच्चारण का फल निःसंदेह सिद्ध होता है। पुनः अन्य भाषाओं में भी पाठ करने से किसी न किसी प्रकार से मन में भगवती का ध्यान चिंतन अवश्य ही होता है और उसका फल भी अवश्य ही सिद्ध होता है। दुर्गा कवच स्तोत्र। दुर्गा कवच संस्कृत। अथ देव्याः कवचम्। अस्य श्रीचंडी क्वचस्य ब्रह्मा ऋषयः अनुष्टुप् छन्दः चामुंडा देवता अंगन्या सूक्त मात्रो बीजम् दिग्बंध देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तष्टि पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। नमश्चंडिकाय। मार्कण्डेय उवाच। यद्गुह्य परम लोके सर्वरक्षाकरण नृणा यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यत्म विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्राह्मणैः महात्मना। नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्राह्मणैः महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विश्वे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणगताः। न तेषा जायते किंचित् शुभ रणसंकते नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भय नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नून तेषा वृद्धिः प्रजायते ये त्वा स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस स्मारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्रः सर्वाः सर्वयोग समन्विता है नानाभरणशोभाढ़्या नानारत्नोक्षोभिता है दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुला है शंख चक्रं गदा शक्तिं हलंच मुसलायुधम् खेटकण तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुंतायुधं त्रिशूलं च शारंगमायुधमुत्तमम् दैत्याना देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थ देवाना च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभ्यविनाशिनी प्राही मा देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणा भयवर्धिनी प्राच्या रक्षतु मा मैन्द्री आग्नेया मग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराही नैरृत्या खड्गधारिणी प्रतीचा वारुणी रक्षेद वायव्या मृगवाहिनी उदीचा पातु कौमारी ऐशान्या शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी में रक्षेद धस्ताद वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेद चामुंडा शववाहना जया में चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनी व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर मध्ये यमघंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर मध्ये श्रोत्रयो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकाया सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृत कला जिह्वाया च सरस्वती दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाच मे सर्वमंगला ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिका नलकुबरी स्कंधयोः खंगिनी रक्षेद बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलीषु च नखांचूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी
स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद गुह्य गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढरण गुदे महिष्वाहिनी कट्या भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी गुल्फयोर नारसिन्ही च पादपृष्ठे तु तैट्सी पादांगुलिषु श्री रक्षेत पादाद स्थलवासिनी नखान दंष्ट्राक्राली च केशांश्च वोर्ध्वकेशिनी रोंकूपेशु कौबेरी त्वचा वागीश्वरी तथा रक्तमज्जाव सामासान्य स्थिमेदांसी पार्वती अंतराणी काल रात्रिष्ट पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामनिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्या सर्वसंधिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकार मनो बुद्धे रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राण कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्व रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मी च धन विद्या च चक्रिणी गोत्रमिंद्राणी मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी पंथान सुप्था रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन्तु तत्सर्व रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेत्तु यदि छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यः यः चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यं तुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूजः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः जीवेद्वर्षस्तन सागरं पमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला है ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्षगंधर्व राक्षसा है ब्रह्मराक्षस वितालाय कूष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोनतिर्भवेद्राग्यस्तेजो वृद्धिक्रम परम् यशसा वर्धते सोपि कीर्तिमंडित भूतले जपेत सप्तष्टी चंडी कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमंडलं धत्ते सशैलवनकानम् तावत् तिष्ठति मेदिन्या संतियः पुत्र पौत्रिकी देहांते परम स्थान यत्सुरैर्पि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्य महामाया प्रसादतः लभते परम रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचं संपूर्णम् ओम दुर्गे नमः। जय माता दी। आप देख रहे हैं आइडिलिक संस्कृत चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों व ग्रुप में भी शेयर जरूर करें। दुर्गा कवच स्तोत्र। किसी भी स्तोत्र मंत्र कथा आदि का वास्तविक फल संस्कृत पाठ करने से ही सिद्ध हो सकता है। संस्कृत भाषा मात्र नहीं देववाणी कहलाती है। यदि संस्कृत पाठ न किया जा सके तो श्रवण करने सुनने पर भी समान फल ही प्राप्त होता है। हिंदी में या अन्य अनुवादित भाषाओं में पाठ करना हिंदी या अन्य भाषाओं में पाठ